हेलो गाइस, दिस इज मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द चैनल पाथ टू सक्सेस। आज का मेरे टेस्ट का टॉपिक है यूनिट 3, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज। ये वीडियो भी जो है दो पार्ट में है, यानी पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। सेकेंड पार्ट अभी से ठीक 24 आवर्स के बाद, यानी कि कल 9 o'clock पर अपलोड होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। और उसी समय में फर्स्ट पार्ट का कल 9 बजे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग आंसर भी चेक करके और स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में या तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लुक्स एट स्ट्रेटिफिकेशन एज एन इंटीग्रेटिव प्रिंसिपल। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, बी है राल्फ डहरेनडॉर्फ, सी है टेलकॉट पार्सन, डी है सी डब्ल्यू मिल्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव हेरिडिटी इज रिफर्ड टू एज। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जो कि बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है, जिसमें कॉमन और डिस्टिंक्टिव हेरिडिटी होती है। ऑप्शन ए है कास्ट, बी है एस्टेट, सी है एथनिक ग्रुप, डी है रेस। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज अ फंक्शनल नेसेसिटी। ऑप्शन ए है वेबर एंड धारेन्ड्रॉफ, बी है बेंडिक्स एंड लिप्सेट, सी है मार्क्स एंड ट्यूमिन, डी है पार्सन्स एंड मोरे। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ। ए है डॉक्यूमेंट्स, बी है लैंड, सी है गुड्स एंड सर्विसेज, डी है मनी। क्वेश्चन नंबर 5, द कास्ट बिकम्स डोमिनेंट व्हेन इट प्रीपोंडरेट्स ओवर द अदर्स न्यूमेरिकली एज वेल एज। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, बी है सोशल एंड रिलीजियस पावर, सी है रिलीजियस एंड इकोनॉमिक पावर, डी है पॉलिटिकल एंड सोशल पावर। ठीक है, तो अगर आपको डोमिनेंट कास्ट की जो एम एन श्रीनिवास ने डेफिनेशन दी थी याद होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहां पर लिस्ट 1 में बुक्स दी हुई है, लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में है ए होमो हायरार्किकस, बी कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, सी कास्ट क्लास एंड पावर, डी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। लिस्ट 2 में ऑथर्स हैं, सबसे पहला है एंद्रे बेते, सेकंड है लुइस ड्यूमोन, थर्ड है आर कोठारी और फोर्थ है एम एन श्रीनिवास। आपको इनको मैच करके नीचे कोर्स दिए हुए हैं उसमें सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सेंट्रल एलिमेंट इन क्लास कॉन्सियसनेस इन मार्क्सिस्ट थ्योरी। ऑप्शन ए है क्लास एंड कल्चर, बी है क्लास एंड रैंकिंग, सी है क्लास इन इटसेल्फ, डी है क्लास फॉर इट्सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजमोनी वॉज क्वाइंड बाय। ऑप्शन ए है एंटोनियो ग्राम्स्काई, बी है डी आर केले, सी है एल एल्थ्यूजर, डी है टेलकॉट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द स्टडी ऑफ। फर्स्ट है सोशल प्रॉब्लम्स, सेकेंड है सोशल डिफरेंसेज, थर्ड है सोशल इनइक्वालिटीज, फोर्थ है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। नीचे कोड्स दिए हुए हैं, आपको सही कोड्स यानी कौन कौन से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच थ्री ब्रॉड टाइप ऑफ कल्चर्स सक्सीडिंग ईच अदर हैव बीन एनालाइज्ड बाय पित्रिम ए सोरोकिन इन हिज साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। तो सिंपल वर्ड्स में अगर इस क्वेश्चन को समझे तो पित्रिम सोरोकिन ने जो अपनी साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है उसमें कौन कौन से स्टेजेस बताए थे। ऑप्शन ए है आइडिएशनल, इंस्ट्रूमेंटल एंड एथिकल, बी है आइडिएशनल, आइडियलिस्ट एंड सेंसेट, सी है आइडियलिस्ट, मॉरल एंड सेंसेट, डी है आइडियलिस्ट, एथिकल एंड मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। असर्शन, डिफ्रेंशिएशन रिफर्स टू हाउ थिंग्स और पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनादर।
रीजन है, स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स टू द रैंकिंग ऑफ थिंग्स और पीपल। तो नीचे कोड्स दिए हुए हैं, आपको सही कोड्स देख करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सोशल चेंज एज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो स्टेजेस बताई थी अपनी सोसाइटी किस किस स्टेज से पास होती है, किस किस फेजेस से गुजरती है और उसमें क्या क्या क्लासेस होते हैं, आपको याद होगा। तो आपको वो सीक्वेंस में अरेंज करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है फ्यूडल, सेकंड दिया हुआ है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, थर्ड दिया हुआ है एंशियंट, फोर्थ दिया हुआ है कैपिटलिस्ट। तो आप इन सारों को सीक्वेंस में अरेंज करके, यानी शुरू से आखिरी तक कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं, कोड सिलेक्ट करना है सही। क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में थिंकर्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं जिनसे ये थिंकर्स एसोसिएटेड हैं वो दी हुई हैं। तो आप लोगों को ये दोनों को मैच करना है और सही आंसर बताना है कोड सिलेक्ट करके। ऑप्शन लिस्ट 1 में ऑप्शन ए है पित्रिम सोरोकिन, बी है ऑगस्ट कॉम्ट, सी है कार्ल मार्क्स, डी है डेनियल लर्नर। लिस्ट 2 में दी है थ्योरीज, सबसे पहली है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सेकंड है थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन, थर्ड है रिवॉल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज और फोर्थ है साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो नीचे कोर्स दिए हुए हैं, आपको सही कोर्स को चुनना है और आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए सोशल प्रोसेसेस आर ऑलवेज एसोसिएटिव, बी है सोशल प्रोसेसेस आर ऑलवेज डिसोसिएटिव, सी है सोशल प्रोसेसेस मे बी बोथ एसोसिएटिव एंड डिसोसिएटिव, डी है सोशल प्रोसेसेस आर नीदर एसोसिएटिव नॉर डिसोसिएटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर मेंबर्स ऑफ द सेम, ऑप्शन ए है क्लास हैव कॉमन लाइफ स्टाइल, बी क्लास हैव कॉमन लाइफ चांसेस, सी क्लास बिलोंग्स टू द सेम स्टेटस ग्रुप, डी स्टेटस ग्रुप बिलोंग्स टू द सेम क्लास। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मैक्स वेबर से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मैक्स वेबर। ए है रैशनल इमोशनल एंड ट्रेडिशनल, बी है रैशनल करिज्मेटिक एंड ट्रेडिशनल, सी है ट्रेडिशनल आइडियल एंड रैशनल, डी है ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रंस गिव राइज टू द अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी इन अडल्ट लाइफ। ऑप्शन ए है एडवाइस इंस्टेड ऑफ डोमिनेशन, बी है मैटर ऑफ प्रेस्टीज इंस्टेड ऑफ सिचुएशन, सी है एनकरेजमेंट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म, डी है विथहोल्डिंग रिवॉर्ड इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है पैट्रियार्की, सेकंड है एंडोगेमी, थर्ड है हायरार्की, फोर्थ है इक्वेलिटी। विच ऑफ दीज आर टिपिकल ऑफ हिंदू कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हिंदू कास्ट सिस्टम के हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से असर्शन और रीजन है। इसमें असर्शन दिया हुआ है सोशल मोबिलिटी इज नेसेसरली मोर इन क्लास सोसाइटीज देन इन कास्ट सोसाइटीज। रीजन 4 है अ सिंगल इंडिविजुअल इन अ क्लास सोसाइटी कैन मूव अप टू अ क्लास हायर देन दैट ऑफ हिज बर्थ। तो नीचे कोड्स दिए हुए हैं, आपको सही आंसर सिलेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है ये असर्शन और रीजन है। असर्शन दिया हुआ है अ लो कास्ट पर्सन यूजुअली संस्क्रिटाइजेज हिज स्टाइल ऑफ लाइफ एंड रिचुअल ऑन बिकमिंग वेल्दी। रीजन दिया हुआ है संस्क्रिटाइजेशन रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन न्यूली अक्वायर्ड वेल्थ एंड लो रिचुअल रैंक। इसमें भी कोर्स दिए हुए हैं, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड कॉन्कोमिटेंट डिसिपेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग विच मैटर पासिस फ्रॉम अ डेफिनेट कोहरेंट होमोजेनिटी टू एन इनडेफिनेट इनकोहरेंट हेट्रोजेनिटी। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप
नॉर्मली रीड करेंगे तो ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप कीवर्ड देखिए, इस क्वेश्चंस को सिंपल बनाइए सबसे पहले, कि ये कह रहा है कि कोहरेंट होमोजेनिटी से जब हम इनडेफिनेट इनकोहरेंट हेट्रोजेनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट, बी है इवोल्यूशन, सी है ग्रोथ, डी है प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म कोविड रिफर्स टू, ऑप्शन ए है हस्बैंड प्रैक्टिसिंग मैजिक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ हिज वाइफ, ऑप्शन बी है हस्बैंड लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ, ऑप्शन सी है हस्बैंड लीडिंग अ लाइफ ऑफ एन इनवैलिड ड्यूरिंग द पोस्ट डिलीवरी पीरियड ऑफ हिज वाइफ, ऑप्शन डी है हस्बैंड लीडिंग द लाइफ ऑफ अ प्रीस्ट परफॉर्मिंग रिचुअल्स फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ हिज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इक्वल एक्सेस टू प्रॉपर्टी पावर एंड प्रेस्टीज एंड्स अप इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सेकंड है डिफरेंशियल एक्सेस टू प्रॉपर्टी पावर एंड प्रेस्टीज एंड्स अप इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थर्ड है अनइक्वल एक्सेस टू प्रॉपर्टी पावर एंड प्रेस्टीज एंड्स अप इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, नीचे कोड्स दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 24, हु पॉइंटेड आउट दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज नीडेड टू एंश्योर इफेक्टिव रोल एलोकेशन एंड रोल परफॉर्मेंस। ए है मोरे एंड पार्सन्स, बी है डेविस एंड पार्सन्स, सी है पार्सन्स एंड वेबर, डी है डेविस एंड मोरे। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन एंड नॉट स्ट्रेटिफिकेशन। ए है क्लास, बी है जेंडर, सी है कास्ट, डी है सेक्स। तो स्टूडेंट्स ये थे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज का वीडियो का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपको कब मिलेगा, आपको कल 9 बजे सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7838517884 पर मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वही मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9911027011 पर। और हाँ, इसका जो आंसर है वो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, वो कब मिलेगा, वो आपको अभी से 24 आवर्स बाद, यानी कि कल 9 o'clock पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके आंसर्स अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उन आंसर्स को चेक कर लीजिएगा, और स्कोर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।